ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा बागेश्वर जिले में केंद्र पोषित दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत 30 महिलाओं को स्वरोजगार का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाओं की स्वरोजगार की राह आसान बनाई जाएगी। स्टेट बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के प्रशिक्षकों द्वारा नगर पालिका सभागार में महिला समूहों को धूप बत्ती, अगरबत्ती, मोमबत्ती बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के दौरान महिलाओं को आत्मनिर्भर रहने के गुण भी सिखाए जा रहे हैं। नगर पालिका की सिटी मैनेजर उर्मिला विश ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत महिला समूह को धूप, अगरबत्ती, मोमबत्ती बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे महिलाओं को गुणवत्ता के साथ प्रशिक्षण प्राप्त कर स्वयं बनाए गए उत्पादों को बाजार में बेचकर अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने की बात कही है। हमारे यहाँ पे दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन जो कि केंद्र पोषित योजना है उसके अंतर्गत हमने जो स्वयं सहायता समूहों का गठन किया है उन स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को ये EDP प्रशिक्षण दिया जा रहा है जो कि स्वरोजगार के लिए दिया जा रहा है। और इस प्रशिक्षण के अंतर्गत इनको धूप बत्ती, अगरबत्ती और मोमबत्ती बनाना सिखाया जा रहा है और प्रशिक्षण RCT के द्वारा दिया जा रहा है और जिसमें कि हमारी 30 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और ये महिलाएं यहाँ पर ये सारा बनाना सीख रही हैं और ये बना करके ये अपने स्वरोजगार को आगे बढ़ाएंगी और इसी से अपना आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगी। उर्मिला बिष्ट, सिटी मिशन मैनेजर, नगर पालिका परिषद बागेश्वर।